हड्डी के जोर में दर्द था, पाँव के हड्डी में, हाथ के हड्डी में, गर्दन में, एरी सब में दर्द था। 9-10 साल से था। बहुत दिन से हम इलाज करवा रहे थे सीतामढ़ी में, बट अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा। 8-9 महीने से इलाज करवा रहे, जिसे मेरी माँ बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी 80 से 90% ठीक है। 10 साल से वो परेशान थी, हर जोर में उसको दर्द होता। पास करीब 9 महीना पहले आई थी, काफ़ी ख़राब कंडीशन में वो पेशेंट थी, और इतनी दवा खाई थी, इतना जो है सो उसको दवा का रिएक्शन वगैरह हो गया था कि उसको जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। उसको हमारा जो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इस तरह के मरीजों में, उसको हमने अप्लाई किया, और आज जो है सो हम समझते हैं कि 90% टू ठीक है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवी। चिकित्सा से संबंधित बड़ी खबर यह है कि आज पूरे बिहार में 10-15% लोग गठिया बीमारी से ग्रसित हैं, और इसके इलाज के लिए अनुभवी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जिसमें बिहार में डॉक्टर आर के प्रसाद का नाम अब प्रचलित हो गया है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी की यह ऐसी मरीज जिसे 10 वर्षों से पैर, कमर और दोनों हाथ में दर्द रहता था, चलने, उठने, बैठने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। स्थानीय अस्पताल में इलाज किया लेकिन राहत नहीं मिली। तब अपने ही क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने डॉक्टर आर के प्रसाद से इलाज कराकर स्वस्थ हो चुके थे, उन्होंने इन्हें सलाह दी। उनकी सलाह पर मरीज सीतामढ़ी से दरभंगा डॉक्टर आर के प्रसाद के पास पहुंचे। 2023 के मई में उनका इलाज प्रारंभ हुआ और आज वह 90% स्वस्थ हैं। मरीज और उनके परिजनों ने डॉक्टर आर के प्रसाद को धन्यवाद दिया और कहा गठिया मरीज के लिए इनका इलाज वरदान है, और पूरी टीम को धन्यवाद दिया। देखिए एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य मरीज का यहां इलाज हो सके। आपको बता दें कि डॉक्टर आर के प्रसाद के यहां आयुष्मान भारत की भी सुविधा उपलब्ध है। सीतामढ़ी जी, मेरा 10 साल पहले से बीमारी था, हाथ गोर में दर्द था, कमर में, मैं बहुत परेशान थी इस दर्द से। मैं सीतामढ़ी इलाज कराए थे, नहीं ठीक हुआ, इसलिए मैं एक आदमी पर्चे दिए कि मतलब दरभंगा में एक डॉक्टर था, वहाँ पर जाइए दिखाने के लिए, और आए मैं यहाँ पर तो दिखा रहे थे तो ठीक है, उसे दवा कर डॉक्टर साहब, तो उसे हम खाते हैं, खाने के बाद हम अच्छा है। 10 साल सीतामढ़ी जिला इलाज करें, सीतामढ़ी, हाँ, डॉक्टर प्राइवेट डॉक्टर से दिखाए थे, वहाँ पर नहीं ठीक होता था, फिर भी पर्चे दिया। मेरा भाभी एक तो दिखा के गई थी ना, वही पर्चे दी कि जाइए बउआ वहाँ पर ठीक हो जाएगा, तो वहाँ पर तब तो वही पर्चे लेके मैं यहाँ आई, हाँ, उनके कहने पर मैं आई हूँ। 7-8 महीना पहले से इलाज कराए थे, लेकिन अभी ठीक है, 80-90% ठीक है, हम संतुष्टि है। धन्यवाद कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब को, पैर के मतलब घुटना में, हमारा हाथ के घुटना में, गर्दन में, डार में, औरी सब में, और एरी में भी दर्द था, सब ठीक है, हाँ, काम कर एकदम बढ़िया करते हैं काम। यहीं पर कहे जाइए दरभंगा, जाइए दिखाइए, आर के प्रसाद डॉक्टर है, अच्छा, वहीं पर दिखलाइएगा। मेरा ठीक हो गया ना, इसलिए 40 साल इनको हड्डी के जोर में दर्द था, पाँव के हड्डी में, हाथ के हड्डी में, गर्दन में, एरी सब में दर्द था। बहुत दिन से हम इलाज करवा रहे थे सीतामढ़ी में, बट अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो हमको किसी के सलाह से, जो यहाँ आदमी पेशेंट पहले दिखाया हुआ था, उनको ठीक हुआ, उनके सलाह से हम लोग आए दरभंगा डॉक्टर आर के प्रसाद के पास, यहाँ पे इलाज करवा रहे, पिछले 8-9 महीने से इलाज करवा रहे, जिसे मेरी माँ बहुत अच्छी है, ठीक है, अभी 80-90% ठीक है, और कुछ दिन दवाई चलने के बाद और पूरी तरह ठीक हो जाएगी। हम तो यहाँ पे इलाज 100% संतुष्ट है। पिछले 9-10 साल से था, सीतामढ़ी करा रहे थे, ठीक नहीं हो रहा था, फिर दर्द शुरू हो जाता था, पूर्ण रूप में ठीक नहीं होता था वहाँ पे। ये दरभंगा में है, आर के डॉक्टर आर के प्रसाद ऑर्थो आश्रम है, इससे हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस प्रकार जो भी मरीज है यहाँ पर आके अपना इलाज कराए और अपनी बीमारी छुटकारा पाए। इस तरीके का जो भी मरीज मिलेगा उसको बोलेंगे जाइए दरभंगा डॉक्टर ऑर्थो आश्रम में, डॉक्टर आर के प्रसाद सर का, वहाँ पर जाकर आप इलाज कराइए और आप सही हो जाइएगा।
क्योंकि यहाँ से हम अपने माँ को दिखाया, वो अच्छी तरह ठीक हो गए, इसलिए उनको भी सलाह देंगे दिखाने का। द्रिका देवी सीतामढ़ी की पेशेंट जो है सो पिछले 10 साल से ऊपर शांत थी, हर जोड़ में उसको दर्द होता था, चलने फिरने में उसको दिक्कत होती थी, तरह तरह का दवाई उसको चला और काफ़ी परेशान हो गई। उसको लगा कि अब तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। किसी ने उसे बताया कि हम वहाँ ठीक हुए हैं, जो है सो आप चले जाइए। हमारे पास आई, उस समय भी स्थिति उसकी इतनी ख़राब थी कि हमको भी लगता था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन हमने हिम्मत किया और उसको हमारा जो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इस तरह के मरीजों में, उसको हमने अप्लाई किया और आज जो है सो हम समझते हैं कि 90% टू ठीक है। थोड़ा बहुत दर्द करती है, कभी कभी होता है, हमको वो भी ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ एक्सरसाइज पर जोर दीजिए, अभी एक्सरसाइज ठीक से कर नहीं रही है, इसलिए हमने कहा कि एक्सरसाइज ज़रूरी है, आधा इलाज वही है, आप उसको नहीं छोड़िएगा। हमारे पास करीब 9 महीना पहले आई थी, काफ़ी ख़राब कंडीशन में वो पेशेंट थी और इतनी दवा खाई थी, इतना जो है सो उसको दवा का रिएक्शन वगैरह हो गया था कि उसको जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। वो कहती थी कि अब मर जाना ही ठीक है। हमने सब दवा को बंद करवाया और बराबर मैं कहता हूँ कि मरीज के डिफेंस से, मरीज के इम्यूनिटी से आप कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। आप दवा दे करके उसको, उसके इम्यून सिस्टम को और कमज़ोर नहीं कीजिए, रेदर उसके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का उपाय कीजिए। और बढ़ाने के लिए मैं बराबर कहता हूँ कि जो है सो 4 सूत्र को मानिए। एक एक्सरसाइजेज है, दूसरा न्यूट्रिशन है, 3rd मेडिटेशन है, एंड द 4th जो है सो दवा है। अगर ये तीनों को छोड़कर सिर्फ 4th पर ही ध्यान देंगे, दवा पर, तो मरीज आपका आज जो स्थिति है कल हो सकता है उससे और ख़राब हो जाए। और अगर वह ठीक भी होती है आपके दवा के प्रभाव से, तो कुछ दिन बाद और दोबारा उसको होगा और जो है सो प्रॉब्लम पड़ेगी। इसलिए 4 सूत्र को अपनाइए, होलिस्टिक अप्रोच अपनाइए, दवा कम से कम दीजिए। दवा का साइड इफ़ेक्ट्स है, अब तो इस पर भी रिसर्च हो रहा है कि दवा कितना नुकसानदेह है। आज जो किडनी फेलियर है, जो और सब जो प्रॉब्लम्स जो बढ़ गए हैं, उसमें दवा एक जो है सो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। पूरे जोर में, हाथ में, पैर में, गर्दन में, चारों तरफ जो है सो परेशान थी। और वही होता था कि 10 साल से दवा खा रही थी और 10 साल दवा जैसे बंद होता था उसकी स्थिति और ख़राब हो जाती थी। मैं तो बराबर सलाह देता हूँ कि आप लाइफ स्टाइल को चेंज करें, सुबह उठें, 4 से 5 बजे उठें। मैं उनको जो है सो कुछ ड्रिंक बना करके देता हूँ, उसको आप पिए। पहले आप अंदर से अपना शुद्धि करें, आपका 3 गिलास सुषुम पानी में कुछ जो मिलाने के लिए मैं देता हूँ उसको मिला करके पिलवाता हूँ, जिससे कि उसका अंदर का जितना भी बैड एलिमेंट्स है, जितना भी उसके अंदर जो डैमेज कर रहा है टिश्यूज को, उसको आप यूरिन के द्वारा बाहर निकालें। यूरिन के द्वारा बाहर निकालने से बड़ा कोई इंटरनल क्लीनर आपका नहीं है, अंदर की सफाई जो है सो आपके यूरिन से ही होगी। और लोग जो है सो चाय और कॉफ़ी मॉर्निंग में बेड टी पी करके उस स्थिति को और ख़राब कर देते हैं। उसके बाद डाइट का मैं कंट्रोल करने के लिए कहता हूँ कि डाइट जो है सो आप 16 आवर्स फास्टिंग में रहें, पर डे 6 बजे खाएं, अगला दिन 10 बजे खाएं। उसके बाद जो है सो आप खाने का इंटरवल जो है सो आप 2 ही टाइम लाएं खाएं, और संभव हो तो आप उसको भी कम कर सकते हैं। दिन में खाएं, उसके बाद शाम में 6-7 बजे खा लें, सोने के 3 घंटा पहले आप खाना खा लें। खाने में भी मैं उसको गाइड करता हूँ क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आपके खाने का 40% कम से कम 40% जो है सो रॉ होना चाहिए,
कि आपके गट में जो है सो जैसे मिट्टी में जो है सो बैक्टीरिया जो रहते हैं जो आपके फसल को उपजाते हैं, उसी तरह आपके गट में भी करीब 100 ट्रिलियंस बैक्टीरियाज हैं, और उनको अगर ठीक रखेंगे तो आपको बीमारी सताएगी नहीं। इसलिए आउटो क्योर, अपना क्योर आप खुद करने का सीखें, उसकी कला सीखें, तभी आप ठीक हो पाएंगे।